कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। मेरी जो रोहतक की स्टोरी है, बैक स्टोरी, वो मैं नहीं बताऊंगी, मेरे चाचा बताएंगे कि वहां पे क्या क्या हुआ और फिर क्या किया हमने, वो सब बताएंगे। ये सोचता है ये कि यहाँ से इंदर लोग इधर 10 रुपये से इंदर लोग पहुंच जाता है तो वहां भी 10 रुपये चला। अरे हर जगह का तो फर्क होता है। वो एक रिक्शे मांग रहा है, दिखा देता हूँ, वो फिर उतार देता है। कह नहीं मैं बाप, ये देख लो लड़की बीमार, धूप से तेज है, चक्कर आ रहे हैं सांस लेने लेते लेते लेने लगे सीधा के। क्या गर्मी बहुत थी, फिर सुन तो ले बहुत ज्यादा समझदार देख। फिर वो चला गया, फिर थोड़ा रास्ता रह गया। हम जा रखे थे ना, तो मैंने कहा कि दीवार है यहाँ से कट मारते हैं निकल के, फिर आगे चलते झुग्गी के अंदर से निकल गए। क्या नहीं नहीं ले गया। फिर वो कहना कुदाल कितने से कुदाल जा रहा है, वो जो चढ़ते नहीं एंगल से दीवार थी वो तो जो लोहे का जीना ऐसे चढ़ता है तो गिनी चढ़े भी नीचे पे से नीचे आई। अमन चढ़ रहा वो गिर गया, वो पलटी आगे मन। ये मैंने से पापे को कहा कला के दोस्तों तो ठीक से चला गया। क्या बोलता फिर वो पता है फिर सोलन गई वहां पर, तो क्या नाम हम आगे जल्दी कर गए वहां पर दीवार पे चढ़ गए। चल चढ़ चले गए, जब हम गए थे तो उसमें गेट नहीं था, इसमें इसकी गलती थी। वहाँ से चाय पानी पी वापसी घर जा रहे, ये कहते हम गड़ी बोले चलते पुराना घर देखते। तो वहाँ गए तो हमें 15 मिनट का रास्ता था, मैं रिक्शा करा लू, मैं बिल्ला रिक्शा में बैठ गया। फिर वो क्या रिक्शा उतार दिया। फिर वो देख अपने बेटे को 20 रुपए देने के रहा, पैसे बचा रहा, और वहाँ गया 50-50 रुपए लड़की को सबको बांटे गया पैसे। भाई जहाँ जो तू उधर तो खर्च कर, अन्नू के लिए तो करा था। फिर अरे मैं बोला जहाँ भी जा रिक्शे में बैठ, फिर उतार रहा हमको मार के नीचे। वो आई थी उसने बोला कितनी दूर है, 5 मिनट तो परेशान है तो रिक्शा कराने में क्या है। अरे चाची जब बाहर जाते ना तो 10-20 नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। वो कह रही अंजलि की 2 बार रिक्शा में बैठ रहा था। मैंने इनके साथ रिक्शा जाकर मांगे, मैंने इनके साथ ऐसे हो जी। हम क्या करते रिक्शे में बैठे थे, रिक्शे में बैठे ना जैसे उतरो कहा जाकर सब भाग जाते रिक्शा ढूंढता हमको। वो तो बता, इसने फिर हमें मगर सरार लो उतार दिया पागल ने। इसे सरार लो उतार दिया बद्दी मक्कर ने, किसने जाता वहां उतार दिया, फिर पुल के ऊपर चढ़ा भी नीचे उतार लिया। और मैं तो वाकई मान नहीं रहा तो शुक्र है हमने रास्ता देख लिया था, नीचे ऐसी क्रॉस कर दिया हमने। मैं हम नहीं चढ़ रहा ऊपर, स्टेशन पर इसने किसी ने समझ के उतार दिया होगा। इसने के यहां उतारा रिक्शा कर ले, ओ भाई वो एक स्टेशन तो आगे किसी ने उतारा था वहाँ से तो रिक्शा ना करना पैदल नहीं सराय रोला था तो वही था रास्ता, फिर सराय रोला था वो मिलेगा रिक्शा जब ना मिला था। और हमको एक रिश्ते नजदीक पड़ जाता सही तो था सराय रोला उतार दिया हमको और कह लग रहा दोबारा चढ़ो, मैं नहीं चढ़ रहा। अंजलि अंजलि ने सो दे दे कुछ नहीं होती, ये जब पेशाब आ रहा तू कम से देखते से सामने कब का लगा जैन सह लेडी जब ले जैन सह लेडी ऐसे वो कह रही वो ससुराल दस भी वो कह रही आदमी भी ऐसे सासू भी ऐसी ऐसे बोले जा रही तो। और फिर अपने अमन कहता मामा पंखा नहीं चलना, मैंने अपने पंखा था मैं शौचालय के अंदर जा देख पंखा तेरा वहाँ और शौचालय तेरा दूर। अमन चलो भैया पंखा चालू कर दे शौचालय वो दिमाग से काम नहीं लेता। और फिर मैंने अंजलि से बोलते वो जाते करते तेरे वो आदमी पहले सांस भी आदमी वो उतनी हंसी बहुत ज्यादा उसकी वो मेंटल तो गई नहीं। वो की कह रहा बाबे जबरदस्ती ने खेप हो रहा। अरे रिक्शे की तो बता मन पीछे लटक गया था। अरे ये बात सच है, तुम्हारे सारे भाई बहनों में नकल कम है, ये सब में है, सब में है। मैं सच बता रही हूँ जो भी है जानी घुसी थी और फिर शर्मा के बाहर आ गई। अब अकल के साथ हो गया, अब थोड़ा उम्र बढ़ रही तो बुद्धि जा रही है, बुद्धि भी जा रही है। सच बात है, किसने सही कहा ये बात सच है। नहीं कहते कि मुसलमानों में ज्यादा बुढ़ा होता तो उसकी बुद्धि आती है और हिंदुओं से बुढ़ा होता तो उसकी बुद्धि जाती है। नहीं बात सच है, ये मैंने कहीं में देखा कि जब बुढ़ापा आता ना तो कहते कि इंसान बच्चा दिमाग हो जाता है, बुद्धि ना हो कम होती चली जाती है।
याददाश्त कम हो जाती है, बुद्धि कम हो जाती है। तू सर क्या कर रही है? दन्ना को कर रहे हो क्या? तीर्थ को कर रही है। उसके ना कानों में दिक्कत हो गई ना, सुनने में पहले भी ऐसा ही था। नहीं इतना नहीं था आपका, बहुत थोड़ा ऊंचा बोलना आपका। दो बार मैं बोलूंगी सुनाएगा, मैं तीसरे तेज बोलूंगी तब सुनता है। मतलब पहले इतना नहीं बोलना पड़ता था। अशोक बाबा साहब अब चोट से असर पड़ रहा है, इंजेक्शन लगवाता है कानों में। वैसे कहीं पे भी जाओ बिल्ले को और दन्ना को ले जाओ, टूर टूर बन जाता है। हंसते जाते हैं, अमन भी होना चाहिए जरूर है। हाँ, मन भी सही कह रहा है। अरे हम ना सुनो, वो आ गया रोहतक, ये आ गया अमन। चाची हमने रोहतक उतर गए तो ना, इन्हें कहा रोहतक आगे उतर जाओ, अब कोई विश्वास नहीं कर रहे, सारे उतर तो गए, सारे कह रहे ये फूड है, इसको नहीं पता। यार रजिस्ट्रेशन आ गया था तो बोर्ड में लिखा नहीं हुआ रोहतक है, भले मंदिर गए ये टूर की तरह, कैसे लगा? अंजलि का बता, अंजलि पहली बार, अंजलि कैसे लगा? तो मैं आपको बता दूं, जो अगर मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो एक मेरे चाचा बिल्ला चाचा और एक दन्ना बुआ, ये दोनों होते हैं ना, तो मतलब मेरा सफर कट जाता है, मुझे पता नहीं लगता हारी बीमारी क्या चल रही है वो, क्योंकि ये दोनों आपस में इतनी बहस करते हैं, लड़ते हैं, बहुत मज़ा आता है मुझे इनके साथ जाने में।